पोल्ट्री है, ये मांस है, ये फूड मांस है, ये पेंडो कड़ाप है, चैन का चेटीज है, ये स्पोकिंग है, वो हिटलट, ये जो है ना ये इसको बोलते हैं स्पोकिंग बोलते हैं, ये जो है ना ये इसको डोरल बोलते हैं, ये इसको हिटलट बोलते हैं, इसको हिटलट, इसको जो है ना हिटलट बोलते हैं। और प्रिपेयर हो जाएगा अपने, यो 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 है हाइड्रोलिक टाकी है, ये जो आता है मेन पंप होता है, क्या है ये पायलट पंप पे आता है, पायलट पंप से ज़्यादा पूरा सब जगह सप्लाई देता है वो, क्योंकि जो पायलट पंप लेता है वो कहाँ कहाँ किसका मैनुअल कर मैनुअल करके वो हर जगह भेजता है वो उसको। ये जो है ना एक नंबर ड्रम है, दो नंबर ड्रम उसका मांस के साथ मांस में लगाया है, दो नंबर ड्रम मांस में है, एक नंबर ड्रम है, ये जो कनेक्शन है इसका पहले, ये जो है ना सबका जो मैनुअल किया है यहाँ पे, इसका वो वर्डिंग है पहले जो प्लम बोर्ड है उसका यहाँ से कनेक्शन है, इसमें कोई सा भी ये जो है ना ये रिले को कोई सा कुछ हो जाएगा या इसका तो कोई फंक्शन दिल्ली कहीं कोई सबका फंक्शन कनेक्शन है, ये भी फंक्शन कोई गड़बड़ हो जाएगा तो कोई कोई फंक्शन काम नहीं करेगा इसका, ड्रम का है, एक चैन का है और कई बूम का है, स्विंग का भी इसी में है, मार्चिंग का इसी में है, सब चीज़ इसी में है, इसी का है, इसी में जो सवाल इसी में इसी में दे रखते हैं, तो ये जो है ना इंजन का फिल्टर का इधर दिया है वो ये वाटर सप्लाई का फिल्टर है, ये वाटर सप्लाई का फिल्टर है, ये डीजल फिल्टर है, ये एयर फिल्टर है, अपना जो ये जो है ना ये जो एक नंबर कंट्रोल वाल है, ये दो नंबर कंट्रोल वाल है, इसमें पहले पायलट पंप से आएगा ना तो इसमें आएगा, इसमें सब हर जगह से देता है, उसमें कनेक्शन करता है, सप्लाई देता है हर पाइप हर हर मतलब जहाँ जहाँ काम होता है जहाँ डिस्ट्रिक्ट वाले को हर जगह जाना पड़ता है। इसमें आई भी लगता है, 7 लीटर आई लगता है, ये लगता है अपना जो ये जो चैन मार्किंग करता है, जब तक ये जो जब तक कलेज कलेज नहीं उठाएंगे तो हाइड्रोलिक फंक्शन कोई नहीं काम करेगा, इसको उठाएं इसको ड्रॉन रहेगा तो कोई फंक्शन काम नहीं करेगा, उठाएंगे तो सब फंक्शन काम करेगा, इसमें अपने को स्विंग है, इधर कहीं 10 स्विंग होगा, इधर कहीं 10 स्विंग होगा, फास्ट है, स्लो है, इधर इधर बैक इधर करेंगे तो क्या है, इधर करेंगे लॉटरी घूमेगा वो मतलब कटिंग होगा, इधर करेंगे उल्टा घूमेगा, इधर नीचे करेंगे लॉटरी आएगा, ऊपर करेंगे तो लॉटरी ऊपर आएगा, नीचे करेंगे नीचे आएगा, ऊपर करेंगे ऊपर आएगा, इसमें आ जाओ, इसमें दब के इसमें करेगा तो डेप्थ मीटर 0 जो हो जाएगा, इसमें कंप्यूटर में ऑटोमेटिक, इससे करेंगे तो इसमें जो स्विंग है ना ऑटोमेटिक स्विंग हो जाए अपने अवेलेबल हो जाएगा, ये अपने हैं मास्क का, जब खड़ा करेंगे अभी डाउन में है ना चुला के रखे ना तो इधर झुक गया है, पूरा झुक गया है, जिसको करेंगे जब उसको खड़ा करेंगे तो ऑटोमेटिक पूरे दोनों जगह जीरो जीरो आ जाएगा, इधर ओके लिखा है इधर दोनों में इन दोनों में, इसमें आ जाओ, इस पर अपना गेज का मतलब प्रेशर बढ़ जाता है, कितना प्रेशर है क्या है नहीं है, इस पर अपना पूरा सर्विसिंग क्या है नहीं है, आवर्स मीटर हर चीज़ बताता है इसमें, इसमें तो लिखा है साफ सब लिखा है, देख लीजिए इसमें ये है अपना लॉटरी, इधर बोरिंग कटिंग होगा, इधर करेंगे तो उल्टा घूमेगा, ये उधर लॉटरी इधर ऊपर करेंगे ऊपर होगा, नीचे करेंगे नीचे करेंगे वो नीचे होगा, ये बटन दाएंगे तो पेंटोग्राफ उधर जाएगा, इसी लीवर से तो इधर आएगा, इधर करेंगे तो इधर ऊपर आएगा, जो लिमिट से बाहर करना है तो फिर दोबारा दूसरा वाला बटन बाजू में उसको दबा के फिर सीव करने का ये करना है, फिर इधर आ जाओ, ये मार्चिंग का ये बटन है, फिर तक दबा के करेंगे तब मार्चिंग होगा, नहीं होगा इधर चैन का अंदर करने का बाहर करने का, इसी लीवर से इधर अंदर होगा इसी लीवर से बाहर होगा,
इधर एक बटन दे रखे हैं, इधर दो लाइट दे रखा है, ये ड्रम का लिमिट स्विच दे रखा है, कहीं ड्रम कम फंक्शन नहीं करेगा तो लिमिट स्विच दबा के काम कर सकते हो अपने। ये फ्री पोल है, मतलब कटिंग होगा ना अपने आप, जितना कटिंग करना है तो अपना ऑटोमेटिक कटिंग हो जाएगा। ये मतलब वायर अड़िया नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक ले लेगा, उगड़ेगा नहीं ड्रम से, उगड़ जाएगा तो ड्रम कट जाएगा वायर। तो ये अपने लेवल है, मशीन स्विंग में तो चैन लेवल है ही नहीं, उठाएंगे तभी काम करेगा तो नहीं करेगा। ये अपना वो आरपीएम है, इधर अपना वो क्या तो वाई फाई लगता है उसका है, लाइट का है, बस बैरिंग है इसमें आएगा। ये केली का बैरिंग है, ये वार्ड ऑफिस ले रहता है, इस वार्ड ऑफिस ले लगाता है, मतलब मशीन बोर्डिंग करते हैं ना, ये तो ऑटोमेटिक वार्ड ऑफ पार्क बने नहीं देता। ये अपना लॉटरी है, ये केली है, ये बताए केली बैरिंग है, ये केली केली गार्ड है, इसके अंदर चार पीस आता है। ये अपना वाटर प्लेयर बोलता है, फलेंच भी बोलता है, ये स्प्रिंग है, ये लगाने के बाद तो स्प्रिंग लगाता है इसलिए कि क्या वो मतलब झटका वटका मारेगा तो अपने केली में जरब नहीं आएगा, स्प्रिंग आएगा तो बैलेंस संभाल लेगा, वाटर अपने टूटेगा अपना। इसके अंदर में चार केली है, ये 12 मीटर की है, ये 14 मीटर की भी आती है, 12 मीटर की भी आती है, इसमें चार एलिमेंट भी आती है, 5 एलिमेंट भी आती है। 4 एलिमेंट आएगा तो 45 मीटर 40 मीटर बोर्डिंग हो सकता है, 5 मीटर आएगा तो 55 पार करेगा। Along the way.